कर रहे हैं कि हम इतनी जल्दी काम ड्रिंक करके शुरू करा सकते हैं तो उनको कराएं और सिस्टम में जाके कर दें। तो इसलिए मेन में पंचीज और सरपंची से आज इसी बात पे बात करना चाहता था। वो कल बात हुई है, हफ्ता 10 दिन का टाइम मांगा है एक्सएम ने, वो स्टार्ट है। एक काम करना, जो आपका प्लान है ना जल जीवन मिशन का, जो स्कीम वहाँ की पानी समितियों के साथ शेयर करना, ताकि काम जो है वो अच्छे ढंग से हो जाए, हो पाए। स्ट्रेटली बना के दो, क्योंकि डिमांड आपसे जानी है। अगर ये अगले 3 दिन में आपके एरिया में जो भी पीएचई के इश्यूज हैं, पर्टिकुलरली लीकेज को लेके, कहीं पाइप डैमेज हुई है या लाइन खराब है, उसकी सारी रिक्विजिशन एक्सएन के पास जानी चाहिए और एक्सएन को मैं बात कर लेता हूँ। एक चीज मॉनिटर करनी है वीडियोस में कि टेंडर जब हो जाते हैं, अगर कोई काम नहीं करता उसको इमीडिएटली नोटिस जाना चाहिए, एक और दूसरी बार FIR। जिसने काम लेना है साफ बता दो, काम लेना है तो काम करना पड़ेगा, वो बाकी आगे प्रोसेस हम करा लेंगे। इनको फॉर्म जो है मेरे ऑफिस से कलेक्ट करवा लो, जो कम्युनिटी राइट्स के लिए फॉर्म है तो वो अपने ऑफिस में रखो और इनको कहो कि जिस जिस को भरने हैं, गांव को एक कम्युनिटी राइट देने में रास्तों का क्या परेशानी है, ब्रिज है जंगल में बना हुआ उसकी क्या है, और ये जो आपकी सेविंग बच रही है इसमें हम एक कोशिश करेंगे कि कम से कम हम जो छोटे छोटे ब्रिजेज हैं, कोई नाले हैं उसके ऊपर रास्ता लकड़ी यूज करके बना सके, वो कैसे करना है बायो मीडिया निकाल लेंगे, वो 10 से 15 हज़ार तो हम क्यों नहीं करेंगे, वो कोशिश करेंगे किसी तरीके से हम उसको, ताकि कनेक्टिविटी जो है उसको बढ़ा सकते। कहने का मतलब ये है कि आप सबने मिलके काम करना है, टोटल काम 2300 के करीब बनेंगे और हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर से पहले पहले वो 2300 के 2300 काम कर खत्म करेंगे।